पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने को है। वहीं मसूरी में लगातार लग रहे जाम को लेकर प्रशासन और पुलिस लगातार कार्य योजना बना रही है, लेकिन मसूरी के कई मुख्य चौराहों पर कई जगह बोटल नेक होने के कारण जाम के झाम से निजात नहीं मिल रहा, जिस कारण मसूरी में कई जगह से यातायात व्यवस्था को सुचारू किए जाने को लेकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग को संचालित किया जाना भी प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर एक ठेकेदार को ठेका दे दिया गया। वहीं उसको निर्देशित किया गया है कि पार्किंग से मसूरी तक यात्रियों को भेजने के लिए शटल सेवा का भी उपलब्ध हो। मसूरी उत्तराखंड से नवभारत समाचार के लिए मनीष गंगोली की रिपोर्ट। की बात की जाए तो बेसिकली जो हमारा लाइब्रेरी चौक है और जो पिक्चर पैलेस है, ये मेन मुख्य दो बॉटल नेक है। इनमें सबसे बड़ा कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटल नेक से कि दो गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ एक पार्किंग का इशू है। पार्किंग को लेके हमने लगातार प्रयास किए। इवन जो किंग क्रेक पे पार्किंग बनी है, लेटेस्ट चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश अनुसार वो टैक्सीज के लिए फ्री भी की गई है। फिर भी कहीं ना कहीं लोकल्स में मैं कहूँ या लो स्थानीय टैक्सी चालक है, इनमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके या उस अरेंजमेंट को लेके अभी पूरी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये तभी हो पाएगा जब सारे स्टेक होल्डर जो है वो उसमें सहमति दिखाए। तो लगातार प्रयास चालू है। जो वन वे हम चला रहे हैं, जब भी हमने लाइब्रेरी चौक से क्यू अगर सर्टन लेवल पे ITBP की तक होती है तो जो वन वे हम वेवरली स्कूल से चलाते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और मसूरी में ट्रैफिक दिखता है पर पुलिस जगह जगह पे तैनात है। और ये कंजेशन है, ये चोकिंग नहीं होती है, ये एक मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है। और क्यों लगेगी, क्योंकि आज के दिन पे जिस दिन पे वीकेंड है उसमें लगभग 4,500 से 5,000 व्हीकल मसूरी में आती है और ऑफिशियली हमारे पास प्राइवेट और सरकारी मिलकर 1700 से 1800 गाड़ियों की पार्किंग है। तो लगभग 2800 से 3,000 गाड़ियों की समस्या रहती है, तो इसलिए पार्किंग की समस्या रहेगी। पर PPP मोड पे भी कुछ क्रेन्स ली गई है, सरकारी क्रेन भी हमने यहाँ पे रखी है। तो रोड मुख्य मार्गों से किंग क्रेक पार्किंग का एक मुख्य इशू ये रहा है कि उससे लगभग 3.5 किलोमीटर पे मुख्य लाइब्रेरी चौक है और फिर लोगों को कहाँ जाना है उस चीज़ को लेके बहुत बार गाड़ियों में महिलाएँ रहती, बच्चे रहती है, तो कंपलसरी वहाँ लगाना और फिर वहाँ उनसे किस माध्यम से ऊपर भेजा जाना, ये समस्या आती है। पर थैंक्स टू शासन इस बार जो निर्णय लिया गया है, इसमें जो ठेकेदार है पार्किंग का उनको ये बाइंडिंग किया गया है कि शटल सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ से। तो एज एंड वेन नीडेड हम लोग कंपलसरीली गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करेंगे। जो भी व्यक्ति जिसकी होटल में बुकिंग ना हो या ऐसे होटल में बुकिंग हो जिसकी कोई पार्किंग ना हो या मॉल रोड का कोई होटल हो जिसमें नो एंट्री के समय में कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, उनकी गाड़ियाँ कंपलसरी किंग क्रेक पे पार्क की जाएगी और उनको शटल सर्विस से ऊपर लाइब्रेरी पॉइंट तक छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक की CPU की अतिरिक्त टीम यहाँ पे है, क्रेन अतिरिक्त टीम यहाँ पे है, होमगार्ड अतिरिक्त तरीके से यहाँ पे लगाए गए और SSP सर द्वारा कुछ कांस्टेबल्स भी एक्स्ट्रा यहाँ दिए।